हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सतीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे इस शावर टैप फिल्टर के बारे में। दोस्तों, पहली बात बोल रहा हूं, मैं किसी भी कंपनीज को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। बस आपको अपने गार्डनिंग में, अपने एक्वेरियम के लिए मैं थोड़ा मदद करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात है, क्यों हमें इसकी क्या ज़रूरत है? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कार्निवारस पौधे होते हैं, जैसे कि हुआ आपका जो पौधे होते हैं जो उसका मुंह खुला रहता है और कोई भी इंसेक्ट्स ज़्यादा आता है तो सडनली अचानक बंद कर लेता है, तो उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। उस तरह के कुछ पौधे होते हैं, नेपेंथिस बोलते हैं, कार्निवारस बोलते हैं, उसमें बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। भारत के स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इलाके में आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, नागालैंड उस तरह के जगह में आप जितने भी नर्सरी चाहोगे इस तरह के रेयर रेयर पौधे मिलेंगे। वहाँ के पर आपको पसंद है उस तरह के पौधे, जैसे आपने घर में रख दिया, उसके नज़दीक में एक लाइट रख दिया और आपके घर में कोई इतने मच्छर है तो मच्छर खा लेंगे, फिर उसका ग्रोथ अच्छा बढ़ेगा। तो इस तरह के पौधों के शौक़ रखने वाले कुछ पौधे और भी है, जैसे कि ग्लॉक्सी है, उनको मिनरल वाटर चाहिए, उनको साल्टेड वाटर नहीं चाहिए। और आपके जो ऑर्चिड है उनको भी आपको मिनरल वाटर चाहिए। तो इस तरह के कुछ पौधों के लिए। दूसरी बात, कुछ लोग एक्वेरियम में गोल्डन फिश पसंद करते हैं, डिस्कस पसंद करते हैं, एंजल फिश पसंद करते हैं। उस तरह के लोगों को जो एक्वेरियम में साल्ट वाटर होगा तो वो फिश मर जाएगा। अगर आपके टैप वाटर में अगर साल्ट वाटर आता है, बहुत सारा खारा पानी आता है, तब भी वो फिश मर जाएंगे। तो इस तरह के टाइम में आपको चाहिए एक मिनरल वाटर का सपोर्ट। तो जनरली मिनरल वाटर इस तरह के डब्बे में मिल जाते हैं, आपने देखा होगा इस तरह के डब्बे लंबे वाले, ओके। या फिर आपके घर में आरओ का फिल्टर है तो हो जाएगा, लेकिन हर दिन काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आरओ वाटर से स्पीड नहीं आता। इस तरह के डब्बे आप बार बार नहीं खरीद सकते हो। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैंने बहुत कुछ पढ़ा, रिव्यूज़ देखा, फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में जाना। वो कहते हैं इसमें कुछ पत्थर है या केमिकल है या ऐसे कुछ है, नेचुरल मटेरियल है, जिससे इसका 2 ईयर वारंटी है। यहाँ पर लिखा होगा पीछे कहीं, ये रहा 2 साल का वारंटी। और बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है, इस तरह का आपको एक देंगे। इससे पहले मेरे टैप में ये वाला था, मैंने आराम से खोल दिया, फिर यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा पानी लीक हो रहा है। अगर वो लीक भी नहीं चाहिए तो उन्होंने टेप दिया हुआ है। मैंने किसी को प्लम्बर को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, अपने आप ही कर दिया। फिर यहाँ पर बटन है दबाने का, उसको एक बार टैप कर दो, फिर थोड़ा बहुत लाल रंग का वहाँ पर चेंज हुआ शायद। फिर उसके बाद पहली बार जब पानी आया था तो बहुत ही ब्लैक कलर का कार्बन पानी आया था, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी आया। तो मैंने चेक किया है, जैसे कि ये इस डब्बे का मिनरल वाटर है और इसमें इसका पानी है और इसमें ये फिट करने से पहले वाला पानी है। तो ये क्या क्लेम कहता है कि पहले कुछ दिनों तक आपको सॉफ्ट पानी नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आपको सॉफ्ट पानी मिलेगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है, जैसे आप देख सकते हो पहले मैंने सोबुन लिया है। आप मैसूर सैंडल सोप यूज़ कीजिएगा, मैंने लाइफ बॉय यूज़ किया है, उस सोप से आपको इजीली झाग आना नहीं आना दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा क्लाउडी है दिखने में, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हार्ड वाटर पानी में जनरली इस तरह का क्लाउडी सेंसेशन होगा आपको, इस तरह का क्लाउडी फीलिंग पानी में, वाइट वाला फीलिंग आएगा। तो इसमें भी थोड़ा बहुत उसी तरह है जिस तरह हुई है, पानी लगभग एक ही क्वांटिटी की है, एग्जैक्टली मेजर नहीं किया है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे वाइट भी है, उसमें भी वाइट है, लेकिन इसमें उतना वाइट नहीं है और इसमें बबल्स भी है। अगर मैंने मैसूर सैंडल सोप यूज़ किया होता तो और भी ज़्यादा बबल्स आता, मैंने सिंपल लाइफ बॉय सोप यूज़ किया। तो क्वालिटी ऑफ सोप भी टेस्ट के लिए चाहिए, सिंपल एक सोप रखना होगा, फिर अच्छा सा कंपनी का सोप रखकर आपको हिलाना पड़ेगा, फिर आपको इस तरह बबल्स आएंगे। ये देखिए बबल्स, जैसे कि शैम्पू जब यूज़ करते हैं जिस तरह का बबल्स आता है उस तरह का बबल। तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए, ये कितना वाइट है
और ये बबल्स है, तो ये सॉफ्ट पानी है। इस तरह का पानी आप उस तरह के पौधे को, जैसे कि मैंने कहा कैनिवर्स पौधे हैं जो मच्छर जानवर तितलियाँ सब कुछ खा लेते हैं, उस तरह के पौधे को सॉफ्ट वाटर चाहिए। तो हर दिन आप डब्बा नहीं खरीद पा रहे हो, तो इस तरह का मैंने एक चीज़ खरीदा है जिससे डायरेक्टली मैंने टैप को बड़ा रख दिया और आराम से मुझे सॉफ्ट पानी आएंगे। लेकिन ये क्लीन करता है, ये टीडीएस कम नहीं करता, सिंपल इसमें जो साल्ट है जो भी है वो कम करता है, इंडिया का मेड इन इंडिया का है। और साथ ही साथ ये कंपनी स्पेशली इसलिए बेचता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल होता है, तो वो क्या करते हैं, शैम्पू चेंज करते हैं, बहुत कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो उनके लिए एक और वैरायटी का सॉल्यूशन है, जैसे इसमें देख सकते हो हार्डनेस कंडीशन लेयर, माइक्रोसिव लेयर, बहुत सारे क्लोरीन रिमूव लेयर, नैनो सिल्वर लेयर। तो इसको ये आप टैप में भी कर सकते हो, शावर में भी कर सकते हो, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट यूज़ में भी, हैंड शावर में भी कर सकते हो, ओवरहेड शावर में भी कर सकते हो। रिड्यूस क्लोरीन, रिड्यूस हार्डनेस, रिड्यूस इम्प्योरिटीज़, क्लीन एंड हेल्दी वाटर, इम्प्रूव हेयर एंड स्किन। सो ये स्पेशली बालों के लिए है, तो जिनके बाल बहुत जड़ रहे हैं वो बहुत अच्छे दवाई भी यूज़ कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं हेयर रिप्लांटेशन के पास चला जाऊंगा, बहुत 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 कुछ सोचते हैं। आजकल बॉलीवुड में एक दो मूवी भी बन चुके हैं इसके रिलेटेड, हेयर फॉल के रिलेटेड। सो एक और सॉल्यूशन है, पहली बात है दोस्त कोई भी कंपनी का शैम्पू यूज़ मत करो, वो अगर आयुर्वेदिक भी बोल रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं तो वो आपको चीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपको रेचल आयुर्वेदिक चाहिए सो हर चीज़ का ब्रांडेड वाला पाउडर्स खरीदो, जैसे कि हाइबिस्कस का, गुलदौदी का पाउडर खरीदो, पत्तों का पाउडर खरीदो, फिर रीटा शिखा इसका पाउडर खरीदो, या डायरेक्टली रीटा शिखा ले लो, फिर सिंपली घर में एक मग ले लेना, फिर उसमें ये डाल देना, या फिर आयरन का कोई छोटा सा बाउल ले लेना, उसमें आप आंवला डाल सकते हो, सूखा हुआ आंवला का पाउडर डाल सकते हो, फिर गुलदौदी का पाउडर, नीम का पाउडर, तुलसी का पाउडर, और फिर अच्छा वाला हन्ना का पाउडर, जो हाथों में डालते हैं वो वाला हन्ना नहीं, इसके लिए दूसरा अलग होगा, या डायरेक्ट आपके घर में कोई पौधा है तो उसके पत्ते, नीम के पत्ते के पाउडर। सो ये सारे सुखा कर भी डाल सकते हो, या आपके पास उतना टाइम नहीं है डायरेक्ट ये सारे पत्ते निकाल कर फिर डायरेक्टली आंवला डालकर आप थोड़ा बहुत गर्म कर दोगे पानी में डालकर, फिर इसमें उसका क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाए और काला रंग का हो जाए, फिर वो आप अपने बालों के लिए शैम्पू की तरह यूज़ कर रहे हो फ्रेश शैम्पू, तो आपके बाल बहुत झड़ने कम हो जाएंगे। फिर सप्ते में एक दो बार ऑयल यूज़ कर लेना, हर किस्म के ऑयल ट्राई करना, नेचुरल वाला कोकोनट ऑयल, नेचुरल वाला आलमंड ऑयल, फिर देखो कोई केमिकल ना हो, जैसे कि ब्रांडेड आलमंड ऑयल में केमिकल होता है, बिना केमिकल वाला कोई भी ऑयल यूज़ करो, चेक करो कौन सा ऑयल आपके लिए सूट कर रहा है। फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक दो महीने तक वेट करो, ऐसे नहीं है कि आपने तुरंत ही डाला तुरंत ही आप में मेडिकल मिराकल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो इस तरह मेन चीज़ क्या है, नहाते वक्त हम शैम्पू के बारे में सोचते हैं, तेल के बारे में सोचते हैं, स्ट्रेस, खाना, टैबलेट, दवाइयाँ सब कुछ सोचते हैं, लेकिन पानी नहीं सोचते। शहर में बहुत सारे लोगों को क्लोरीन वाटर ही आता है, गांव में अगर जाओगे कोई कुआं के अंदर से या कोई तालाब के अंदर से आप नहा रहे हो तो उसमें उतना ज़्यादा साल्ट्स नहीं होता, तो इसीलिए जब भी कोई गांव जाते हैं तो उनके बाल उतने नहीं झड़ते, बहुत ही हेल्दी दिखाई देते हैं, फिर शहर आ जाते हैं तो फिर बाल झड़ने लगते हैं। तो ये है एक और सॉल्यूशन, तो इस एक्सपेरिमेंटल में हमने पहले देखा, तो स्टार्टिंग में हमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक कंपनी भी बोलता है कुछ दिनों के बाद, जैसे एक सप्ताह दो सप्ताह कुछ दिनों के बाद मैनुअल में लिखा हुआ है, फिर हम चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसी की तरह दिखना चाहिए, थोड़ा कम क्लाउडी और थोड़ा झाग आना चाहिए, और इस बार हम थोड़ा अच्छा क्वालिटी का सोप यूज़ करेंगे तो और हमें झाग अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपने मछलियों के लिए टेस्ट किया था, सिंपल मिनरल वाटर वर्सेस आपके म्यूनसिपालिटी वाटर या फिर घर का
टैप वाटर, तो ऐसे नहीं है। कुछ शहरों में सॉफ्ट वाटर भी आता है, जैसे मैं आंध्र प्रदेश के एक शहर में रह रहा हूँ नियर विशाखापट्टनम, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कुछ हार्ड वाटर ही है, सिर्फ उस बॉटल से वाला मिलने वाला सॉफ्ट वाटर है। तो इसलिए फ़िलहाल मैं अपने मछलियों के लिए यही वाटर दूंगा, अपने कार्निवोरस प्लांट्स के लिए यही वाटर दूंगा। जब इसमें भी इस तरह का वाटर आने लगेंगे तब हम डायरेक्टली टैप वाटर में ही यूज़ करेंगे अपने पौधे के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक टू माई वीडियो।